मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे और एकदम सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नाउ द टाइम इज़ 8:10 और इतना सुबह सुबह मैं कभी भी व्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ क्योंकि इतना सुबह मैं उठती भी नहीं हूँ। बट आज हम लोग चाय पी के रेडी हो गए हैं। मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ थी कि आज का ये व्लॉग इस चैनल में शेयर करूँ कि ना करूँ, बट देन आई थॉट कि हमारे जो बंगाली रिचुअल्स है, बंगाली ओकेशंस है, वो मेरे व्लॉग में आपने बहुत ही कम देखा है एक्सेप्ट दुर्गा पूजा, क्योंकि ये शादी, उसके पहले का रिचुअल्स, ये सब आप लोगों ने मेरे चैनल पे कम देखा है क्योंकि हम लोग दूसरे स्टेट में रहते हैं तो बहुत सारी शादियां हम मिस कर जाते हैं या उसके जो प्रीवियस रिचुअल चलता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये सोच के मुझे लगा कि नहीं, ऐसा एक व्लॉग ज़रूर शेयर करना चाहिए। आज हम लोग थोड़ा जल्दी डे को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे घर में एक फंक्शन है और दैट फंक्शन इज़ अ प्री वेडिंग फंक्शन। तो आज हमारे घर पे आए हैं गेस्ट और ये जो प्री वेडिंग रिचुअल है इसको हम बोलते हैं आई बूढ़ो भात। तो आई बूढ़ो भात मीन्स, आई बूढ़ो मीन्स अनमैरिड। तो गुड मॉर्निंग। तो दीपांजन अभी जल्दी जल्दी में निकल रहा है क्योंकि वो जा रहे हैं मार्केट हिल्सा फिश लाने। दिस इज़ नॉट एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू गेट हिल्सा फिश, बट हमारे जो जिस भैया से हम फिश लेते हैं यहाँ पे उनको बोल के रखे, वो आज ला देंगे। आईब्रो मीन्स अनमैरिड। तो बेसिकली आईब्रो भात का प्रोग्राम शादी के बिल्कुल पहले दिन होता है, जो मम्मी पापा से आईब्रो भात खाते हैं, मतलब अनमैरिड टाइम पे जो तुम घर पे खा रहे हो खाना उसको हम लोग आईब्रो भात बोलते हैं। उसको भी एक सेलिब्रेशन बना दिया गया है। शायद इसके पीछे बहुत सारे नियम ये सब होगा, बट मैं जो फॉलो करती हूँ कि ये शायद छोटे छोटे गेट टुगेदर्स है जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए उसके पहले भी रिलेटिव्स के घर जाके या फ्रेंड्स के घर जाके भी ये वेट, मतलब लोग बुलाते हैं और पेट भर के खाना खिलाते हैं, जिसको हम आईब्रो भात बोलते हैं। यही एक छोटा सा रिचुअल आम हम भी करने वाले क्योंकि मैंने पहले किसी को भी आईब्रो भात नहीं खिलाई हूँ, आज पहली बार करूंगी इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाय बाय। जनरली जो ब्राइड के साइड के रिलेटिव्स होते हैं वो ब्राइड्स को खिलाते हैं शादी से पहले, जो ग्रूम के साइड के होते हैं वो ग्रूम को खिलाते हैं, जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं वो ब्राइड ग्रूम दोनों को साथ में बुला के खिलाते हैं। बट हम लोग आज, हमारे घर पे आएगी वुड बी ब्राइड और उसको हम लोग खिलाएंगे आईब्रो भात और उसके साथ जो छोटे मोटे रिचुअल्स हैं वो भी फॉलो करेंगे। तो इसलिए सुपर एक्साइटेड एंड लुक एट दिस मंचकिंस, इनको दुनिया का कोई अता पता नहीं है, सिर्फ भागो खेलो एक दूसरे को मारो। দেখো ড্যাডি যাবে এখান দিয়ে, দেখো ড্যাডি, দেখো তো ড্যাডিকে দেখতে পাবে, হ্যাঁ দেখো এখান দিয়ে ড্যাডি যাবে। নো কিউ উসকো দেখকে ভাগ রহি হ্যায়, উসকো দেখকে কিয়ারা ব্যাড ম্যানার্স নো। तो आईब्रो भात में कुछ स्पेसिफिक आइटम है जो बनाना ही पड़ता है, तो बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा नहीं है जो आ जाएंगे हम दोनों के साथ, बट नंबर ऑफ आइटम्स इतना ज़्यादा है कि मैंने कल से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे सिंगल हैंडेडली खाना बनाना, मतलब सब्जियाँ काटने से खाना परोसने तक करना पड़ेगा। दीपांजन ऑफकोर्स ये मार्केट जाके साइड में जितना भी हेल्प होता है वो कर देता है, बट मेन जो कुकिंग का काम है वो मुझे सिंगल हैंडेडली करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कल से ही बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो इस पर्टिकुलर ओकेशन के लिए बहुत ही कुछ दिनों से कैसे खाना खिलाऊंगी, कैसे थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाऊंगी सब कुछ, क्योंकि भाई शादी की बात है, बहुत स्पेशल है तो ब्राइड को तो स्पेशल फील करवाना ही चाहिए। तो सारे अरेंजमेंट्स हमने किया है, होपफुली सब कुछ एग्जीक्यूट भी अच्छे से कर पाएंगे। हेलो कियारा, आज के किंतु मासी मुनि आसबे, कियारा का मासी मुनि आएगी, मासी मुनि विल बी वेरी वेरी एंग्री एंड अनॉयड टू सी यू लाइक दिस। कियारा बिहेव, क्यों क्यों क्यों, ओहो बिल्कुल बात नहीं सुनते। मैंने सुबह सुबह जो किया है वो है कुशन कवर्स को चेंज किया है, मुझे बहुत टाइम से वो कुशन कवर्स में बोर हो गई थी, सो फाइनली आई गॉट दिस वन और मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन, आई होप ये कॉम्बिनेशन इस काउच के साथ अच्छा लग रहा है। एक्चुअली दिस काउच है सच टिपिकल कलर की, इसके साथ पता नहीं चलता कि क्या अच्छा लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा विंटर वाइब्स भी है इसलिए मैंने इसको सेट कर दिया है। अभी मैं जा रही हूँ किचन, आज मैं खाना बनाना ये सब इतना कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी पूरा पूरा, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स बनने वाला है और बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मैं ये किचन का काम थोड़ा सा निपटा लूँ, उसके बाद वापस आके फिर आप लोगों के साथ आज का पूरा दिन रिचुअल्स पूरा शेयर करूँगी।
गुड आफ्टरनून, सुबह के बाद फिर से आ गई हूँ और बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। एकदम ट्रेडिशनल लोकेशन है तो कोशिश की होगी रेडी भी थोड़ा सा ट्रेडिशनली हो जाओ, बट पता नहीं इसके बाद जो खाना गर्म करना, सर्व करना, ये सब साड़ी में कैसे करूँगी। तो यहाँ पे दीपांजलि भी थोड़ा सा हेल्प कर रहा है मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साड़ी पहन लिया है। एक तोपशे फिश, मैंगो फिश, उसको भी फ्राई करना है, क्योंकि 5 टाइप के फ्राइड आइटम्स देना पड़ेगा राइस के साथ, तो वो एक है उसमें से। उसी के लिए वो बेसन को, बेसन का एक वो स्लरी टाइप का बना रहा है। और एक टू पतला होते पर और एक टू एकदम एक टू, तो आप लोग वेट करो। क्यू क्यू, हमारी क्यू क्यू बहुत परेशान है कि मामा कहाँ जा रही है, इतना तैयार होके मामा कहाँ जा रही है। हाँ हमें चले जाओ, एक चलते किसी को दाम आगे ताले ऐसे किसी को ले दो दाओ 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 ऐसे किसी को ले दो। लिपटिक लगाइए जो मामा, लिपटिक 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 मालो ना, लिपटिक तो मालो ना। फिर इंतज़ार चल रहा है उन लोगों के आने का, आ जाएंगे कुछ ही देर में। जैसे ही आते हैं मैं फिर से व्लॉग को रिज्यूम करती हूँ। তুমি যাবে ইনভিটেশনে যাবে? ও তুই তো তুই তো পুরো মুভি স্টার শ্রাবন্তী হয়েছে। কার্ডটা খুব সুন্দর হয়েছে, কার্ড চয়েস দারুণ হয়েছে, দারুণ চয়েস, খুব সুন্দর হয়েছে কার্ডটা। ফ্লারি হে তিথি কে ফ্রেন্ড, তিথি কো হামসে জ্যাদা ফ্লারি সে প্যার হ্যায় ইসলিয়ে আদি ও ওয়েট কর রহে দিদি কে শাদি মে ফ্লারি কেয়ারা কে কেয়ারা কো ওহি সামালেগি। बस इधर अभी फोटो सेशन चल रहा है और यहाँ पे सब फोटो वोटो खींच रहे हैं। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो 5 तरह की फ्राइज दिया जाता है उसमें से जो फिश वाला था वो मैंने उठा लिया, क्योंकि श्रीदीपा ऑलरेडी साड़ी पहन चुकी थी और सफ़ेद साड़ी था, तो दैट्स वाई इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर। तो मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा काम तो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने उठा लिया वो। बस हम सब ने आशीर्वाद कर दिया है, अभी बेचारी बहुत टाइम से बैठी है खाने के सामने, उसको खाना शुरू करने देते हैं। बहुत सारा फोटो सेशन भी हो गया तो होपफुली जो भी बनाया गया है उसको अच्छा लगेगा, बट सब कुछ खाना पड़ेगा, आज कोई छूट नहीं है। कियारा तुम्हारा आईबुढ़ो भात कियारा, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेके पहला वाला निवाला उसी से लिया जाएगा। ये बात भी आराम से खा सब कुछ अच्छा इतना नहीं খেতে খতম।
सो इतने दिन का प्लानिंग, इतना कुछ, फाइनली ओवर आज के लिए, आई बुढ़ो बात ओवर। इसके बाद तो चलो अभी वेडिंग के लिए तो बहुत सारा प्रोग्राम है, होपफुली फिर से बहुत जल्दी मिल रहे हैं हम लोग, अच्छे से शादी वादी हो जाए एकदम। यही अभी हम लोग वही बोलेंगे, प्रे करेंगे। कैब आ गया है, अभी ये लोग निकल रहे हैं। हम लोग लंच के बाद इसमें यहाँ पे बैठ के अड्डा मार रहे थे, बहुत जल्दी निकल रहे हैं, 5:15 द टाइम। बट अभी शादी के लिए बहुत शॉपिंग वॉपिंग भी है तो मैं भी रोक नहीं रही हूँ। ठीक है चलो, किया बाइक को दाओ, किया रहा बहुत दुखी हो गई। हाँ जितने मास्क तो पड़ो, तू जा भी। सुबह से इतना हलचल, इतना काम, और अभी बस घर एकदम ठंडा शांत हो गया है। और इस शांति का जो सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है, चलिए उसको एक बार दिखाती हूँ। मामा बहुत सारा खाना बनाना पड़ा है आज, बहुत सारा। सारे आइटम्स तुमने बनाए थे ना मामा, है ना? अभी इसीलिए निनी हो रहा है ना, शाम को इसीलिए निनी हो रहा है। इसके बाद रात को निनी आएगा? आएगा क्या, कैसे आएगा? फ्लरी इतनी आलसी, इतनी आलसी। फ्लरी को देख के लगेगा कि हमने कुछ काम नहीं किया है सुबह से, सारा काम सिर्फ फ्लरी ने किया है। सबसे ज़्यादा टायर्ड वो लग रही है। केरा, केरा व्हाट्सअप, केरा तुमने भी बहुत काम किया है क्या सुबह से? हाँ, तुमको शॉपिंग जाना पड़ा था, फिश मीट सब ढूंढ के लाना पड़ा है। बाप रे बाप, इतना सारा काम करना पड़ा है मेरी क्यू को, इतना सारा। बेडशीट अच्छा लग रहा है ना, ये दीदी भाई ने गिफ्ट की थी मुझे दुर्गा पूजा में, जब दीदी भाई आई थी तो दीदी भाई ने ये बेडशीट दिया था। आज मुझे लगा कि अच्छा ओकेशन है तो ये नया बेडशीट लगाते हैं। द वे आई वॉन्टेड टूडेज प्रोग्राम टर्न आउट एग्जैक्टली दैट वे, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट रीजन। एक चीज़ होता है ना, जब मैं कुछ सोचती हूँ कि मैं चीज़ें ऐसे ऐसे करूँगी, कि कुछ प्लान करती हूँ, तो एक चीज़ें विजुअलाइज करती हूँ कि ये ऐसे ही होगा इसका एग्जीक्यूशन, उससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे बहुत इरीटेशन होता है। बट अगर मैं वो चीज़ वैसे एग्जीक्यूट कर लूँ तो मुझे बहुत खुशी होता है। आज का मेन्यू एक बार आपको बता दूँ, तब तो इतनी जल्दी जल्दी में थी, इतना सारा काम था कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। तो आज राइस बना था, उसके साथ 5 types के भाजीज, जिसमें एक था फिश फ्राई और बाकी सब थे सब्जी। और इसके साथ बना था दाल, मूंग दाल, उसके साथ कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो की सब्जी विथ प्रॉन, और था हिल्सा फिश मास्टर्ड ग्रेवी में, और मटन करी था उसके साथ चटनी, और पायश जो नॉर्मल राइस का खीर, और उसके साथ स्वीट्स था। तो जिनके लिए बनाए थे उन्होंने मज़े से खाया, अच्छा लगा। पीछे का ये मैस थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और जैसे मैं बता रही थी सुबह की ब्राइड को, वुड बी ब्राइड को इस दिन बहुत स्पेशल फील करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमने कोशिश किया था कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। तो इसलिए जो डिनर सेट जिसमें मैंने उसको सर्व किया था खाना, वो एक्चुअली टेराकोटा का है और उसके ऊपर सेरेमिक का कोटिंग है। ये मैंने फेसबुक के एक पेज में देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था। जब भी ये प्रोग्राम प्लान हुआ मैं तुरंत बाद उसको ऑर्डर की थी। आई थिंक उसमें खाना सर्व करने के वजह से और ज़्यादा अच्छा और प्रेजेंटेबल लग रहा था। शादी है टुम्पा का, जिसको आपने देखा, बुम्बा की सिस्टर है, और बुम्बा की सिस्टर मतलब हमारे भी सिस्टर, तो ये तो करना ही था। क्योंकि हम लोग जब बुम्बा के घर गए थे हमें इतना सारा प्यार मिला था आंटी से, अंकल से और दोनों बहनों से, कि ये तो तभी डिसाइडेड था कि एक दिन उनको आना पड़ेगा। तो हमने सोचा यही मौके को काम लगाते, उसका शादी भी है तो क्यों ना सबको बुलाया जाए। एक्चुअली आंटी अंकल भी आने वाले थे, बट आंटी के कमर में बहुत पेन है और पुम्बा के घर से हमारे घर काफ़ी दूर है, 1.5 घंटा लगता है आने जाने में, मतलब 3 घंटा लगता है, तो आंटी के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। ऑफकोर्स आंटी का बहुत सारा काम है, बेटी की शादी है, तो इसलिए हमने और ज़्यादा फोर्स नहीं किया। आंटी ने प्रॉमिस किया है कि बाद में आएंगे, शादी वादी एक बार सब हो जाए उसके बाद अंकल के साथ आ जाएगी वो, तो तब और अच्छे से मज़ा होगा। इस फ्रेम में शायद नीचे एक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, नो एनिमल इज हार्म्ड ड्यूरिंग दिस शूट। बदमाश। सो गाइज, आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा। मैंने आपके साथ शेयर किया हमारा एक बंगाली रिचुअल जो हम वेडिंग प्री वेडिंग फॉलो करते हैं। आई होप देख के आपको अच्छा लगा, अगर लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। I'll see you guys in my next vlog really, really soon. Till then, you all stay happy, stay safe, and stay awesome. Bye-bye.